क्षेत्र मऊरानीपुर के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी क्षेत्र रानीपुर से निकली हुई सुखनई नदी में उस समय हलचल मच गई जब जेसीबी से खुदाई कार्य के दौरान नदी में कुछ सिक्के निकलना शुरू हुए। सिक्के निकलने की सूचना क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। मौके पर हजारों की संख्या में स्थानीय लोग खुदाई को देखने के लिए पहुंचे, तो वहीं सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी रानीपुर अजीत शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही उच्च अधिकारी को मामले से अवगत कराया। और वहीं मौके पर मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस एवं उप जिला अधिकारी मृत्युंजय नारायण मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। साथ ही उप जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों के सामने नदी में जेसीबी के माध्यम से खुदाई कराई। इस दौरान उप जिला अधिकारी ने बताया कि नदी में प्राप्त हुए सिक्के किस धातु से बने हुए हैं यह नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल नदी से मिली धातु के सिक्के की खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय रही है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। एक्चुअली यहाँ पे एक हर घर नल से जल की जो योजना है जिसके तहत यहाँ पे पाइपलाइन पड़ रही है, आगे बढ़ रहा है। खुदाई के दौरान लगभग यहाँ पे 1900 उसी के आसपास के 1 रुपए के सिक्के मिले हैं। लगभग ये 70 से 72 सिक्के मिले हैं, कुछ 4-5 छोटे और रेस्ट पूरे बड़े सिक्के। इसमें संबंध में लोग बोल रहे हैं चांदी के हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं धातु के, तो धातु कौन सी है तो पता करना पड़ेगा, जांच का विषय है। बट इसको भी अपने कब्जे पे लेके इसको क्लच के अंदर सर लगभग कितना निकला सर कोई जानकारी? सुंदर से बात करके आसपास। क्या नाम आपका? मैं जयप्रकाश। जयप्रकाश जी कहाँ से हैं आप? जोरगांव से। ये जो यहाँ खुदाई हो रही थी यहाँ आपके गाँव में, ये कैसे खुदाई हो रही है, कैसे क्या चला है? ये पाइपलाइन डाले पानी वाली जी। तो यहाँ जो बता रहे थे कुछ निकला है, क्या निकला है? क्या है सर, पुलिस वालों से पूछ लो, दो ही तो लेके गए हैं, निकला है और ले गए, तसला भर के लेके गए हैं, भाग गया वो देवी सी वाला। लोगों गांव वाले थे, उनने कहा देखेंगे हाँ। उनने लेके मट्टी अट्टी धूल तस्तर लगा दी। उनने लगभग कितने तसला निकले हुए? एक ही तसला निकला और उनने लेके जब भीड़ भाड़ मची तो उनने लेके उनको पूछ दिया। तो कितना क्या था उसमें निकला जो? चांदी के सिक्के थे। चांदी के सिक्के थे, कैसा लगता था आपको देखने में? चांदी के हो या सोने के हो ये तो पता नहीं, मतलब काले काले पानी में तो कलर बदल ही जाता है। जी जी जी।